नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जीवन कुमार। आप सभी को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि पूज्य तन सिंह जी की जयंती पर दिल्ली में होंगे लाखों लोग इकट्ठे। अब मैं आपको विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं साथियों। पूज्य तन सिंह जी के बारे में 25 जनवरी सन 1924 भारत और पाकिस्तान सीमा के जैसलमेर जिले के बिरसियाड़ा गांव में उनका जन्म हुआ और मात्र चार साल की आयु में साथियों उनके पिताजी का देहांत हो गया और वो ठाकुर बन गए। और उसके बाद महज 14 साल की उम्र में वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए और उन्होंने आगे की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके दिल में एक विचार आया कि मेरे को मेरे समाज के लिए, हर समाज के लिए और संदेश अपनी समाज के युवाओं को, अन्य वर्ग के युवाओं को एक संदेश देने की उनके मन में इच्छा जाहिर हुई और वो 1949 में पहली बार आज़ाद भारत के बाड़मेर नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए। सन 1949 में उनका राजनीति करियर शुरू हुआ। और मैं आपको बता दूं, वो 1952 में विधायक बने, पहली बार 1952 में विधायक बने और दूसरी बार 1957 में दूसरी बार विधायक बने। इन समय के अंतर्गत उन्होंने 1944 में दिवाली की रात को श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की। सन 1944 को साथियों, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं और 1962 में विश्व की सबसे बड़ी लोकसभा में वो बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा के चुनाव जीतते हैं और सन 1962 में वो सांसद बन जाते हैं। 62 के बाद दूसरी बार भी सांसद बने और 7 दिसंबर 1989 में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपन तन सिंह के बारे में जितना जाने उतना कम है। इनके बारे में आप कभी टाइम मिले तो इतिहास उठा के देखना और पूज्य तन सिंह जी की 100वीं जयंती पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सभी जगह से ट्रेन सेवा शुरू है। उसी उपलक्ष्य में बाड़मेर से भी ट्रेन जा रही है दिल्ली। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बाड़मेर ट्रेन जो दिल्ली रवाना होती है वो और उसमें जो पैसेंजर सवारी हैं जो जा रहे हैं पूज्य तन सिंह जी की जयंती पर दिल्ली जा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। अभी के लिए नमस्कार, मैं आपका साथी जीवन कुमार बाड़कर।